नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BHU World पे। जैसा कि आपने कई डिमांड्स किए BA Social के लिए, BA Arts के लिए, PG के लिए और भी अन्य सब्जेक्ट के एंट्रेंस वीडियोस को लेके, हमने आपको कई वीडियोस बना के पहले दिया। और आज हम आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस BHU के छात्रों के बीच। वहाँ हमारे दो अजीज मित्र, जिनसे हम आपको अभी मिलवाएंगे, उन्होंने इस विषय पे हमें जानकारी दी कि कैसे यहाँ के बच्चे इंट्रेंस को क्वालिफाई करके आए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमसे बेहतर वो चूंकि खुद बता सकते हैं, तो वो आज हमारे कमरे पे आए और बस आपके लिए कि कैसे आप BSc एग्रीकल्चर की इंट्रेंस को आसानी से क्वालिफाई कर सके, उसके लिए वो 12 बजे रात में यहाँ आके अभी आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। BHU World हमारे दो मित्र हैं हमारे बीच, एक अंकित जी हैं और एक है तिवारी जी। इन दोनों को धन्यवाद देती है। और आपको बता दें, ये दोनों BSc एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और जब आप यहाँ एडमिशन लेने आएंगे तो ये आपके सुपर सीनियर, यानी ये तब तक यहाँ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट होंगे। तो अब आपका अधिक समय ना लेते हुए सीधे हम आते हैं हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस BSc एग्रीकल्चर। हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक BHU BSc एग्रीकल्चर पे। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और नंबर ऑफ सीट्स पर। देखिए, पिछली साल जो था नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी 65,000 प्लस, जो इस साल शायद बढ़ेंगी क्योंकि स्कोप जो है एग्रीकल्चर का बहुत बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सीट्स पे बात करते हैं तो 123 है मेन कैंपस में और RGSC में है 40। RGSC एक डिफरेंट कैंपस है और वहाँ पे 40 सीट्स हैं जो कि एक दूसरा BHU से एफिलिएटेड एक अलग कैंपस है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स के भी एडमिशन्स होते हैं जो कि मेरिट बेस्ड होते हैं, टोटली मेरिट बेस्ड। तीसरी चीज़ है कि BHU एम्प्लॉई कोटा, ये भी यहाँ पे केवल और केवल BHU एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। बात करेंगे हम स्ट्रीम्स पर, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें स्ट्रीम्स कौन कौन सी अप्लाई कर सकती हैं। एक नंबर अप, एक अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं या PMT की तैयारी कर रहे हैं और हार भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बायोलॉजी स्ट्रीम से भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स के लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं कि वो एग्रीकल्चर साइड नहीं ले सकते, तो ये एक मेन फोकस करने की बात है कि मैथमेटिक्स आप एक ऑप्शन की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया इसका ये है कि 10+2 यानी आपका 12th, जो कि 55% है जनरल और OBC के लिए, और SC और ST के लिए रिजर्वेशन लागू है इसलिए 45%। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न्स पे। एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं 200 और जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 100, ठीक है। पहला जो सेक्शन है वो होता है रीजनिंग का, दूसरा होता है केमिस्ट्री का। इन दोनों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स 25-25, एंड दीज ऑल बोथ ऑफ देम आर कंपल्सरी। ये हर सेक्शन के लिए कंपलसरी होते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो या बायो का हो या एग्रीकल्चर का हो। तीसरा आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में होता है दो सेक्शन, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों के आते हैं 20-25 क्वेश्चंस ईच। फोर्थ है फिजिक्स, फिजिक्स के हैं 25 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के हैं 25 क्वेश्चंस। ये सेक्शन केवल और केवल मैथ्स वाले अटेंड कर सकते हैं। और सिक्स्थ आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन सेपरेट इंडेक्स में आते हैं और सारे अटेम्प्टेबल होते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर से देना है तो आपको तीन सेक्शन अटेंड करने पड़ेंगे, यानी रीजनिंग, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। दूसरा, अगर आपको बायोलॉजी से देना है तो आपको रीजनिंग भी देना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी देना पड़ेगा और बायोलॉजी की दोनों स्ट्रीम्स। और यदि आपको मैथमेटिक्स से देना है तो फिजिक्स भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, आपको मैथमेटिक्स भी अटेम्प्ट करने पड़ेगा प्लस रीजनिंग एंड केमिस्ट्री बोथ। और याद रखें, आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, जो कि क्या होता है कि पहले 100 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे और ये आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस, मार्क्स और कट ऑफ पे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हो गए वो हमारे हो गए 300। अब निगेटिव मार्किंग की हम अगर बात करें तो 1/3 इसका पैटर्न होता है निगेटिव का। कट ऑफ जो है जो जनरल का जाता है लगभग 215 या फ्लक्चुएट करके 220 तक पहुंच सकता है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा के रखें। OBC के लिए 210 या उससे प्लस माइनस वेरी करेगा, SC के लिए 170 प्लस माइनस और ST के लिए 160 प्लस माइनस।
बात करेंगे सोर्स ऑफ स्टडी, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे सबसे जो मेन कंसेप्ट है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में क्या होता है, बुक्स की बहुत कमी होती है और हमको पता भी नहीं होता, नॉलेज की भी कमी होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए हम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड की बुक्स एग्रीकल्चर की बेसिकली वो प्रेफर करेंगे और एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं और मोस्ट ऑफ द पेपर जो होता है वो इन्हीं से आता है। उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए तो आप हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव जो आईसीआर के द्वारा पब्लिश होती है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आता है बायोलॉजी के लिए, वो एनसीईआरटी बुक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की, और मैथमेटिक्स के लिए भी एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये ना देखना भूलें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन हुआ है। आप इसको देखने के लिए www.bhuonline के पोर्टल पर जाके देख सकते हैं और आप एज्यूम कर सकते हैं कि पेपर कैसा बनता है और आप इसके बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। कुछ सेक्शंस जो कि पेपर में अलग से होते हैं, जैसे कि एक जीके का क्वेश्चन जो होता है वो हर साल आता है, लेकिन कुछ भी एज्यूम्ड ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं से भी आएगा, लेकिन करंट अफेयर्स भी होता है जो कि रीजनिंग में अवेलेबल होता है, तो ये आप बीएचयू ऑनलाइन से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत लोगों के दिमागों में आता है कि वाई एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर क्यों लें, चूँकि मैथ्स भी है बायोलॉजी भी है। तो अगर ऐसा कि किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी स्ट्रीम में फेल होते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर आप पीएमटी नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई, तो एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो क्यों एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जहाँ आप फ्यूचर करियर सोच सकते हैं। पहला है एग्री साइंटिस्ट, एग्री साइंटिस्ट बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसमें करियर है और बहुत ज़्यादा वेल्थ भी है। दूसरा आता है बैंक्स, जो कि सब दे सकते हैं, तो एग्रीकल्चर वाले लोग भी एग्रीकल्चर दे सकते हैं और बैंकों में एक स्पेशल पोस्ट भी होती है जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि केवल और केवल एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए ही होती है। तीसरा आता है सिविल्स, तो सिविल्स आप दे सकते हैं, सिविल्स में आपको बेनिफिट भी होता है अगर आप आईएफएस दे सकते हैं, आप फॉरेस्ट ऑफिसर देते हैं, तो एग्रीकल्चर का आपको उसमें बेनिफिट होता है। तीसरा आता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आप कैट, एबीएम, एमबीए ये सब चीज़ें क्वालिफाई करके आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, और जो कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट के लिए कट ऑफ काफ़ी कम भी होता है, और एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये हर आई उसमें आईएएम में प्रोवाइड होता है आपको एज अ डिप्लोमा कोर्स, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल सेक्टर है। तीसरा आता है अपना एक्सटेंशन ऑफिसर्स, जो कि फील्ड ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम होता है कि फील्ड में जाके किसानों से बात करके और टेक्नोलॉजी एडवांस कराते हैं। और इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, स्टैटिस्टिक्स पूरा एक पूरा मैथमेटिकल स्कोप का है, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर्स के लिए आपको मैथ बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। इम्पॉर्टेंट चीज़, बीएससी एग्रीकल्चर जो कि 3 साल का हुआ करता था, अब 4 साल का होता है, और ये अब एक प्रोफेशनल डिग्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये पिछले 1-2 सालों में इसको प्रोफेशनल डिग्री की मान्यता दी गई है। अगला सवाल ये है कि हम बीएचयू को क्यों चुने, क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बहुत कम लोग होते हैं जिनको महादेव और महामना का आशीर्वाद मिल पाता है। कैंपस, बीएचयू का कैंपस एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहते हैं बीएचयू को, 1360 एकड़ इसका मेन कैंपस है और आरजीएससी लगभग 2800 एकड़। हॉस्टल, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो यूजी के लिए हॉस्टल होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल लड़कों के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल लड़कियों के लिए। अगर आप लाइब्रेरी की बात करें तो ये एशिया की लगभग बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है, यहाँ पर बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है और इसके साथ साइबर लाइब्रेरी भी है। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज अगर आप एग्रीकल्चर के पैमाने में जोड़ेंगे तो ये top 5 इंस्टीट्यूट्स एग्रीकल्चर्स के में आता है। ये एग्रीकल्चरल साइंसेज की, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो कि सीड टेक कंपनीज होती हैं, बैंक्स होती हैं। इसके अलावा मैं बात करना भूल गया कि हमारा कैंपस केवल बड़ा ही नहीं, यहाँ का सबसे सुंदर कैंपस है भारत का। आप एक सबसे अच्छे कैंपसों में से अगर नाम लेना चाहें तो बीएचयू शायद नंबर 1 पे ही आएगा।
तो वैसे तो सब कुछ बता दिया गया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वायरीज हो, आपको नोट्स चाहिए हो, या आपको कोई अदर प्रकार की गाइडेंस चाहिए हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984645409, या अगर आप नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं चंद्रकांत तिवारी से, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8965853999। धन्यवाद। तो इस प्रकार आपने देखा हाउ टू क्रैक बीएचयू एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम। मैं एग्रीकल्चर के अपने मित्रों को बीएचयू वर्ल्ड की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें करें और सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और घंटी बजाना ना भूलें।